भारत या जिसको ज़्यादातर लोग इंडिया कहते हैं उसके कितने सारे नाम है और उस नाम के पीछे जो हिस्ट्री है जो भारत आज आप देखते हैं मैप में वो तो पिछले 200-300 साल से कट कट के कट कट के जो बचा हुआ हिस्सा है और उनमें से भी आगे पिछले अगले 100-200 साल में कितने पीस कटेंगे दैट्स ए डिफरेंट थिंग पर नॉर्मली अगर आप भारत की मैप को देखें तो ऊपर हिमालय है और वो नॉर्थ से लेकर के ईस्ट की तरफ ये पूरा हिमालय एक फेंस की तरह भारत को प्रोटेक्ट करता है जिसको आजकल आप साउथ एशिया कहते हैं क्योंकि वो भारत भारत तो नहीं रहा उसमें काफी सारे अलग अलग देश बन चुके हैं बिकॉज ऑफ रिलीजियन और नीचे तीनों तरफ समुद्र है ये पूरा का पूरा भारत था पॉलिटिकली तो हम हमेशा क्योंकि राजा लोग शासन करते थे तो ज़रूरी नहीं कि कोई राजा कमजोर है तो उसकी छोटा राज्य है कोई बड़ा है एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन में पचासों राजा भी थे कभी दो थे कभी पांच थे पर कल्चरली और जो नेशन की जो सेंस ऑफ नेशनलिटी है वो हमेशा हिमालय से लेकर के और समुंदर तक इंडियन ओशियन तक हमेशा हर व्यक्ति अपने आप को सेम नेशन सेम कल्चर से कनेक्ट करता था जितने भी भारत के नाम हैं उसको आप इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह से बांटेंगे अर्थात वो नाम जो हमने अपने देश के लिए दिया और वो नाम जो विदेशियों ने हमें उस नाम से जाना तो पहले हम उन नामों की चर्चा करते हैं जो हमने अपने लिए दिया और उसको हम कहते हैं आर्यावर्त और वो आर्यावर्त के तीन अलग अलग हिस्से थे पहला हिस्सा जिसको ब्रह्मावर्त कहते थे सरस्वती दृशदवत्य देवनियों यदनतरम तम देवनिर्मित देशम ब्रह्मवर्तम प्रचक्षते दृश्य वी असरस्वती सरस्वती जो नदी है रिवर है जो आजकल डिसपियर्ड है वो आपकी हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती थी अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे में धीरे धीरे उसकी वो पता लग गया है सरस्वती नदी कहाँ से फ्लो करती थी और वैदिक लिटरेचर में इस नदी के काफ़ी सारे वर्णन मिलता है दृश्यवती जो सिंधु नदी के आसपास मतलब आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बोर्ड एरिया में तक ये जो एरिया है इसको ब्रह्मावर्त कहा जाता था ब्रह्मावर्त उस समय वो फेमस इसीलिए था कि जितने भी भारत में ज्ञान नॉलेज डेवलप हुआ वो सब इसी एरिया से हुआ तो दृशदवती सरस्वती नदी के बीच की जो हिस्सा है वो सबसे प्योर सबसे पवित्र माना जाता था इसीलिए नहीं कि वो एरिया पवित्र है क्योंकि आपकी वेद की रचना भी उन्हीं एरिया में ही हुआ है जितने भी प्राचीन काल के बड़े बड़े लिटरेचर हैं सब उन्हीं एरियाओं में ही लिखा गया है बनाया गया है इसीलिए उसको ब्रह्मावर्त कहा जाता है और ठीक उसके नीचे ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था और उसके बैकग्राउंड था कुरुक्षेत्र च मत्स्याश्च पांचल शुर से एश ब्रह्मर्षि देशो वही ब्रह्मावर्तादनंतरम् ब्रह्मावर्त के ठीक नीचे अर्थात हरियाणा से ठीक नीचे और इस तरफ मथुरा तक सूरसेना मथुरा का पुराना नाम है मथुरा तो आप ब्रज क्षेत्र मोस्ट लोग आप आप जानते हैं और ये आप देखेंगे। ये देखेंगे आजकल बिहार के आसपास पड़ता है पांचाल एरिया और मत्स्य तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसको ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था ऋषि मुनि तपस्या यहीं करते थे नर्मदा गंगा यमुना के किनारे अब अब जैसे आप रामायण महाभारत वगैरह पढ़ते हैं सारे ऋषि मुनि तपस्या करने वाले इसी एरिया में थे इसीलिए इसको ब्रह्मर्षि देश कहा जाता ये सेकेंड टुकड़ा था मतलब इम्पोर्टेंस की दृष्टि से पूरे देश को तो आर्यावर्त था और पिक्चर इसीलिए आपको दिखाते हैं ये पूरा का पूरा जिसको आज आप साउथ एशिया कहते हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये पूरा का पूरा ही भारत या आर्यावर्त होता था जहाँ इधर म्यांमार से लेकर के उधर अफगानिस्तान तक ऊपर हिमालय से लेकर नीचे समुद्र तक और उसके बाद आता है मध्य देश जिसको मिडिल स्टेट कहते हैं किंगडम कहते हैं आजकल मध्य प्रदेश कहते हैं मध्य प्रदेश से थोड़ा लंबा हिस्सा हिमवत प्राग याग्विनशनादी प्रत्यगे प्रयागाच्च मध्य देश प्रकर्ति हिमालय और विंध्य पर्व हिमालय तो नॉर्थ में विंध्य जो सेंटर में यहाँ पर तो हिमालय से लेकर के विंध्य पर्वत तक विनाशन से लेकर के प्रयाग के ईस्ट तक ये पूरा एरिया मतलब हाफ ऑफ द इंडिया जिसको मध्य देश कहा जाता था जो पूरा का पूरा देश है वो आसमुद्रात् वही पूर्वात च पश्चिमात ईस्ट का जो सी है और वेस्ट की जो सी है जिसको आजकल आप बे ऑफ बेंगल और बे ऑफ अरब कहते हैं ईस्ट एंड वेस्ट और नॉर्थ में हिमालय से लेकर के साउथ से इंडियन ओशियन तक की जो पूरे की पूरी ज्योग्राफिकल लोकेशन है इंक्लूडिंग म्यांमार और श्रीलंका या अफगानिस्तान पाकिस्तान तक ये आर्यावर्त कहलाता था तो आर्यावर्त तो पूरे इंडियन सबकिनंट का नाम था जिसको आज सबकेंट कहते हैं उस समय वो एक ही कल्चरल नेशन था कंट्री अलग अलग होते थे कंट्री तो नहीं होते थे किंगडम्स पर नेशन एक ही होता था आर्यावर्त जिसमें ब्रह्मावर्त ब्रह्मर्षि देश मध्य देश के नाम पर अलग अलग टुकड़े थे अब हम आते हैं जो जिसको आप भारत कहते हैं भारत भारत वर्ष वर्ष मतलब देश होता है देश मतलब कंट्री होता है इसको भारत क्यों कहा जाता था इसके पीछे दो कारण है पहली चीज है कि हिस्टोरिकल महाभारत में एक बहुत बड़े राजा का वर्णन मिलता है महाराज भरत जो राजा दुष्यंत और मां शकुंतला इन दोनों का पुत्र रहा आगे जाकर के वो बहुत बड़े राजा बने और जिनके जो क्लान है जो आगे की जो उस डायनेस्टी के जो लोग हैं जो भारत कहलाए इसीलिए महाभारत का नाम एपिक का नाम महाभारत है क्योंकि उसमें उन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन है जो भरत क्लान को विलोंग करते हैं कुरुवंश को विलोंग करते हैं कौरव पांडव आदि आदि तो उस भरत के नाम पर जिस उस एरिया का नाम पड़ा भारत तो ये तो हिस्टोरिकल कारण है उसका और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है कि भा रत जो नाम है उसमें भा का मतलब होता है ब्रिलियंस शाइनिंग है ना लाइट या नॉलेज रत मतलब जो एंगेज वो देश जहाँ के लोग कॉन्स्टेंटली यूश टू एंगेज विथ नॉलेज ब्रिलियंस एक्सेट्रा जो प्रकाश करने वाले ब्रिलियंस या नॉलेज में हमेशा व्यस्त रहते थे उस देश को भारत कहा जाता था इसीलिए आप देखेंगे अगर एंशियंट इंडिया की लिटरेचर को देखें जो फिलॉसफी जो साइंस जो स्पिरिचुअलिटी जो दूसरे सोशल साइंस जो जो मॉडर्न साइंस की जो फॉर्म आपको मिलता है मैथमेटिक्स इन इंडिया में वो उस समय की है जहाँ आज के यूरोप अमेरिका आदि देशों में जब कपड़ा पहनना भी नहीं जानते थे नेटिव लाइफ जीते थे तब एंशेंट इंडिया में ज्ञान के हजारों एस्पेक्ट्स पर काम होता था डांस ड्रामा मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी स्पिरिचुअलिटी फिलोसफी डिबेट डिस्कशन बुक राइटिंग हजारों चीजें चलते थे वो ऐसा देश है जो आगे आपको चर्चा में मिलेंगे कैसे जो एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भारत को जिस नाम से जाना जाता है जैसे कि चाइना जापान कोरिया में भारत को जिस नाम से बुलाया जाता था उस नाम का भी मतलब ऐसा था कि ऐसा देश जहां एनलाइटेंड लोग रहते हो तो ज्ञान और प्रकाश के देश होने के कारण इसको भारत कहा जाता रहा और आज भी ज्यादातर लोग भारत को भारत ही कहते हैं और एक नाम जो होता है उसको जम्बूद्वीप कहते हैं जम्बू कहते हैं जामुन का जामुन जानते हैं जो पर्पल बेरी होती है जो इंडियन बेरी जामुन वो जामुन जैसा द्वीप कहते हैं आईलैंड 250 बीसी में अशोका के जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है आज के बिहार सासाराम में एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला अशोका का जो टू हंड्रेड फिफ्टी एथ का है उस स्टोन इंस्क्रिप्शन में इस देश का नाम जम्बूद्वीप के रूप में बताया गया है वैसे भी बहुत सारे और पुराणों में भी इसको जम्बूद्वीप कहा जाता है तब जो साउथ ईस्टर्न देश हैं मतलब थाईलैंड कम्बोडिया इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपींस आदि देश वहाँ भारत का प्राचीन नाम जम्बूद्वीप के नाम से भी बुलाया जाता था पूरा एशिया कॉन्टिनेंट को भी जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता है जब पंडित जी पूजा करते समय संकल्प करते हैं भारत में तो वो जम्बूद्वीपे भारत खंडे ऐसा बोलते हैं मतलब जम्बूद्वीप कंटिनेंट को भी कहा जाता है पर मोस्ट ऑफ साउथ ईस्टर्न देशों में भारत को जम्बूद्वीप के रूप में भी जाना जाता था अब हम आते हैं जो सबसे पॉपुलर नाम भारत का और वो नाम जो विदेशियों ने हमें दिया और भारत में भी वही सबसे ज़्यादा पॉपुलर बना क्योंकि हमें अपनी चीज़ें थोड़ी कम पसंद आते हैं हमेशा से हमारी बीमारी है वो है इंडिया हिंद हिंदू हिंदुस्तान तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया को इंडिया हिंद हिंदुस्तान हिंदी जो जय हिंद आप बोलते हैं वो हिंद जय हिंद में हिंद जो है वो इंडिया के लिए आता है इन सबको समझने के लिए आपको इस पिक्चर में ये जो एक ब्लैक कलर की लाइन जाती है यह एक नदी है हम कहते हैं सिंधु नदी यूरोपियन लोग कहते हैं इंडस रिवर पर्शियन और अरबी लोग कहते हैं हिंद हिंद दरिया दरिया मतलब रिवर को कहते हैं यहीं से प्रॉब्लम शुरू मतलब प्रॉब्लम कहिए जड़ जो है रूट है वही इंडस रिवर है तो इंडस रिवर जिसको हम सिंधु कहते हैं यूरोपियन लोग इसको इंडस रिवर कहते आज भी इंडियन भी जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो वो सिंधु नदी नहीं लिखते हैं वो इंडस रिवर लिखते हैं अभी इंडियन की बीमारी या कलो वो तो गंगा को गंगेश लिखते हैं इंडियन अंग्रेजी लिखने वाले भाई ब्रिटिश गंगेश लिखे तो समझ में आता है तुम तो इंडियन हो तो अंग्रेजी में गंगेश क्यों लिखते हो भाई तुम लिखो गंगा पर क्या है कि अब किस कोई बताने वाला है नहीं और अंग्रेजी की वो हैंग चढ़ा हुआ है तो हम गंगा को गैंगेस बोलते हैं सिंधु को इंडस बोलते हैं यूरोपियन लोग इसको इंडस बोलते हैं जब पहली बार यूरोपियन लोगों का भारत से कंटैक्ट हुआ कंटैक्ट कब से हुआ मतलब अलेक्जेंडर जब आए लड़ाई करने के लिए उससे भी हजारों साल पहले ग्रीक रोमन लोग भारत आ चुके थे व्यापार वाणिज्य होता था लड़ाइयाँ भी करते रहे जो मेगास्थेनिस जो ग्रीक ट्रैवलर हुए 300 हंड्रेड बी या 600 हंड्रेड में आए थे उनके बुक में भी इस रिवर का नाम इंडिका मिलता है और इस इंडस या इंडिका रिवर के उस तरफ रहने वाले जो हिमालय तो हिमालय तो बीच में आ जाता है हिमालय के उस तरफ अरब वगैरह देश आ जाते हैं इस तरफ जो रहते हैं वो इंडस रिवर जो है वही एक रास्ता है जहां से बाहर के लोग भारत में आ सकते थे तो जब आते थे रास्ते में वो इंडस रिवर पड़ता था झेलम चेनाब रवि सतलेज ये पांच नदी ये पांचों नदी जहाँ एक जगह मिलते हैं उसको पंजाब कहते हैं आपको है पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता था क्योंकि वो पंच नद था पांच नदियाँ वहाँ मिलती थी, ये वैदिक सभ्यता का सिविलाइजेशन का सेंटर था ये जो अनडिवाइडेड पंजाब जहाँ आजकल उसकी नामो निशान नहीं रहा तो वहाँ से पांचों नदी मिल करके एक रिवर बन जाते हैं वो इंडा से वो डिवाइड कर देता है रेस्ट ऑफ इंडिया को और उस तरफ की हिमालय उस तरफ की चीज़ों को तो जब विदेश से बाहर से लोग आते थे इंडस रिवर के इस तरफ रहने वाले लोगों को या उस जोग्राफिकल लोकेशन को इंडिया कहते थे इंडिया तो नहीं कहते थे अभी आएंगे क्या कैसे वो नाम ट्रांसफर हुआ तो ज्योग्राफिकली ऐसे बांटा गया पर्शिया के ईस्ट में पर्शिया समझते हैं जिसको आजकल आप ईरान कहते हैं ईरान के ईस्ट में इंडस रिवर के बाद जो कुछ है वो सब इंडिया है या इंडिका है सेकेंड सेंचुरी में मिडिल इंग्लिश में फ्रेंच के इन्फ्लुएंस के कारण इस नदी का नाम पड़ा यंडे वाई एन डी ई -E, या कहीं कहीं आई एन डी ई इंडे पड़ा फिर बाद में जब इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुआ डिक्शनरीज अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में इस देश को इन ए आई एन डी आई ई के रूप में जाना जाने लगा सेंचुरी में तब हम ब्रिटिश कॉलोनी थे तब लैटिन और स्पेनिश जो कि से पहले भी भारत में राज कर चुके थे या आते जाते रहे साउथ साउथ इंडिया में मोस्टली पर्तुगीज और फ्रेंच आ चुके थे आज भी पंडिचेरी आ, में फ्रेंच की आपको निशानियां मिलेंगी गोवा जो है पर्तुगीज की निशानी मिलेगी उनके इन्फ्लुएंस के कारण पर्तुगीज फ्रेंच के इन्फ्लुएंस के कारण सेवन सेंचुरी में इंग्लिश में पहली बार जो शब्द यूज हुआ इंडिया उससे पहले इंडिया इंडे यंडे नाम से ये देश जाना जाता था तो मतलब है कि यूरोपियन लोग वो ग्रीक हो पर्तुगीज हो फ्रेंच हो इंग्लिश हो ब्रिटिश हो उन इंडस नदी के पास रहने वाले लोगों को उन्होंने अलग अलग तरीके से डेवलप इंडे, इंडे करते करते इंडिया तक आए तो वहां के रहने वाले लोग इंडियन वो जगह इंडिया वहां का कल्चर इंडियन वहां की रिलीजन इंडियन जियोग्राफिकली जाना जाए यही इंडस रिवर ही है जहां से हिंदू शब्द भी बना अब यूरोपियन लोग तो इसको इंडस इंडिका कहते थे पर जो पर्शियन है पर्शियन जो ईरानियन है ईरान जो हमारे पड़ोस था और अरबी में सिंधु को हिंदू कहा जाता था क्योंकि स वहाँ ह के रूप में प्रोनाउंस होता था तो स को ह कहना बहुत सारे लैंग्वेज में होता है पर्शियन में भी स को ह कहा जाता है जैसे यूरोपियन लोगों ने सिंधु को इंडस इंडे इंडे से नाम से जाना तो पर्शियन लोग इसको हिंदू नाम से बोलते थे सिंधु नदी को 516 हंड्रेड में डेरियस जो कि पर्शियन राजा थे उन्होंने सिंध सिंधु देश को जीता तो उसमें इसको हिंदू के रूप में कहा जाता था और वहीं पर हमें हिंदू हिंदस और हिंद ये तीन शब्द हमें हिस्टोरिकली उन्हीं के लिटरेचर में हमें देखने को मिलते हैं अरबी में इसको अल हिंद कहा जाता था सिंधु से ही हिंद हिंदू हिंदस अरबी में अल हिंद पर्सी क्योंकि संस्कृत से काफी क्लोज है सिस्टरली लैंग्वेज है बहुत मिलता जुलता है 715 सेंचुरी में मतलब सी में सिंधु का पहला जो मुसलमान जो मोहम्मद बिन काशिम जिसने पहली बार राजा किंग दहर को सिंधु में हरा करके पहला अरबी मुसलमान जीता वो 715 में और उसकी जो कॉइन मिलता है वो मोहम्मद बिन काशिम की जो कॉइन है उस कॉइन में लिखा होता है अल हिंद अल हिंद मलब जो इंडस के इस तरफ सिंध नदी के इस तरफ रहने वाले देश है तो हिंद हिंदू हिंदस ये और पर्शियन लोग हमें बोलते थे यूरोपियन लोग हमें इंडे इंडे और इंडिया के रूप में जाने जाते थे अब आपका क्लियर हुआ कोई आपको हिंदू कहे या इंडिया कहे दोनों एक ही चीज है आजकल बड़ा डिबेट चल रहा है हम हिंदू हैं या नहीं है अगर आपको इंडिया शब्द से कोई इतराज नहीं है तो हिंदू शब्द से इतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिया और हिंदू दोनों ही एक ही रूट से बने हैं और वो रूट है सिंधु आपको अंग्रेज पसंद है इसलिए इंडिया में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अरब पसंद नहीं है तो आपको हिंदू में ऑब्जेक्शन है अब ये नहीं चलेगा अगर आपको हिंदू में ऑब्जेक्शन उठाना है तो आपको ऑब्जेक्टन इंडिया ऑल्सो ये दोनों विदेशियों ने हमें बुलाया आज भी अगर आप अरब देशों में जाएं, ध्यान रखिए हिंदू सिर्फ रिलीजन का नाम नहीं है विदेशियों के लिए आज भी आप अरब देशों में जाएं, कहीं भी भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन का हो किसी भी लैंग्वेज का हो उसको हिंदू कहा जाता है या हिंदी कहा जाता है इवन जब हज में इंडियन मुसलमान जाते हैं उन इंडियन मुसलमानों को वो हिंदू कहते हैं हिंदू मतलब रिलेटेड नहीं वो देश से उस देश देश से के रहने वाले हिंदू हैं उस आप मलयालम बोलते हैं बंगाली बोलते हैं तेलुगु बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं अरब और पर्शियन लोगों के लिए आपकी लैंग्वेज हिंदी है हिंदी मतलब हिंद में बोली जाने वाली भाषा वो अलग बात है कि हमने बाद में नॉर्थ इंडिया में बोली जाने वाली भाषा को भी हिंदी नाम दे दिया ये हिंदी नाम भी अरब और पर्शियन में दिया गया नाम है अब आते हैं स्तान हिंदुस्तान जो हम बोलते हैं पर्शियन में स्तान शब्द होता है जैसे मैं आपको दोबारा बताऊं संस्कृत और पर्शियन बहुत क्लोजली सिस्टरली लैंग्वेज है तो संस्कृत में स्थान मतलब प्लेस को कहा जाता है पर्शियन में स्थान कहा जाता है तो हिंदुस्तान में जो स्थान है वो संस्कृत वर्ड नहीं है वो पर्शियन वर्ड है वो स्थान से स्थान नहीं बना है वो पर्शियन में स्थान कहा जाता है लोकेशन को तो हिंदुस्तान शब्द पहली बार हमें मिलता है फर्स्ट सेंचुरी सी में इस ज्योग्राफिकल लोकेशन को हिंदुस्तान के रूप में पर्शियन ओल्डन लिटरेचर में जो हिंदुस्तान शब्द था वो सिंधु देश के लिए था जो कि आजकल पाकिस्तान का पार्ट है इसी तरह जो इंडियन ओशियन है जो एक्चुअली भारत महासागर है कोई इंडियन नहीं बोलता भारत खासकर नॉर्थ इंडिया वाले तो बिल्कुल ही नहीं बोलते हैं या तो हिंद सागर बोलते हैं या इंडियन ओशियन बोलते हैं कम से कम नॉन नॉर्थ इंडियन तो भारत सा, महासागर बोलते हैं तो ये जो भारत महासागर या इंडियन ओशियन है उसको ही अरब और पर्शियन ने हमें नाम दिया हिंद सागर या हिंद की दरिया और हिंदुस्तान शब्द ज्यादा पॉपुलर हुआ जब फोर्टीन फिफ्टीन सेंचुरी में मुगल साम्राज्य भारत में आया मुगल एम्पेरिजम और मुगल पीरियड में इस देश को हिंदुस्तान कहा गया सेवेंटी सेंचुरी में अंग्रेजी जब ब्रिटिश आने लगे तो उन्होंने इंडिया हिंद हिंदुस्तान इन तीनों को इंग्लिश डिक्शनरी में डालने लगे मतलब तीनों को ऑफिशियल यूज के रूप में यूज किया गया हिंद हिंदुस्तान और इंडिया नाइनटीन सेंचुरी में तक आते आते हिंदुस्तान और इंडिया पैरल या सिमिलर रूप में यूज होने लग गए तो ये तो आपको कुछ पता चला आर्यावर्त भारत हिंद इंडिया हिंदुस्तान आदि कुछ और इंटरेस्टिंग नाम ये तो इनमें से ज्यादातर तो हो सकता है आपको पता हो पर कुछ आपको और इंटरेस्टिंग नाम बताते हैं भारत के बारे में भारत को गैगर या फैगल के नाम से भी जाना जाता है ये आपके देश के कुछ और नाम है ये कौन बोलते हैं तिब्बत के लोग अब ओल्ड इन चाइना के लोग भारत को अब मुझे पता नहीं ये सही से इसको इसी रूप में प्रोनाउंस किया जाता है कि नहीं किया जाता पर लिखा ऐसे जाता है गैगर या फैग्यूल इवन बहुत सारे जो तिब्बती लामाज हैं या ऑथर्स हैं जो लिटरेचर हमें मिलता है वो भारत को फैग्यूल शॉर्ट ऑफ फैक्टल जिसका मतलब होता है ये बड़े इंटरेस्टिंग आपके बारे में आपके पड़ोसी क्या सोचते थे लैंड ऑफ नोबेल पीपुल लैंड ऑफ होली पीपुल और लैंड ऑफ एनलाइटेंड पीपुल और लैंड ऑफ सुपरियर पीपुल क्योंकि महात्मा बुद्ध के, के बाद जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ आपकी आ, इंडिया के भारत के ईस्ट साइड में चाइना तिब्बत तिब्बत तो अलग देश था ना तो तिब्बत चाइना उधर से कोरिया जापान आदि आदि धीरे धीरे जो बढ़ता गया तो पहले हिंदू धर्म का भी प्रचलन था वहाँ चोल और चालुक्य पल्लव राजाओं के कारण भारत के बिजनेसमैन के कारण पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सब हिंदू धर्म था सनातन धर्म था आज भी आप थाईलैंड जाओ कैंबोडिया जाओ इंडोनेशिया जाओ मलेशिया जाओ जबकि वहाँ तीन चार लेयर्स के रिलीजन आ चुके हैं पहले सनातन धर्म था फिर बौद्ध धर्म आया फिर इस्लाम आया बहुत सारे जगह आपकी क्रिश्चियनिटी hmm, भी आ चुकी है अब मोस्टली इस्लाम और बौद्ध धर्म साउथ ईस्ट एशिया में है उसके बावजूद भी उनकी कल्चर में आपको आप हिंदू धर्म की जो जो शैडो है आपको कहीं भी दिखेगा इंडोनेशिया इज ए फुली मुस्लिम कंट्री पर आप उनको उनके किसी भी चौराहे पर जाइए आपको उसमें कृष्ण और अर्जुन जो रथ पर बैठे हुए का आपको फोटो आपको मूर्तियां मिलेंगी उनकी जो एयर एयरलाइन से वो है गरुड़ा उनकी नोट्स में एक मुस्लिम कंट्री है पर उसकी नोट में गणेश की मूर्ति मिलेगी अभी भी मिलेगी उनकी जो सबसे पॉपुलर फोक डांस है पता है क्या है रामलीला आज भी है इंडोनेशिया में मलेशिया में उनकी अपनी रामायण है जबकि मुस्लिम कंट्रीज है इसी तरह थाईलैंड में जाएं, कंबोडिया में जाएं, जा बुद्धिस्ट नेशन है आप उनके घरों में जाएंगे आपको तुलसी की चौरा देशा मिलेगा गणेश की मूर्ति मिलेगी विष्णु के मंदिर मिलेंगे जबकि वो बौद्ध हैं उनके भी रामलीलाएं होती हैं तो इट वॉज फुल हिंदू कल्चर था तो पहले हिंदू कल्चर फिर बाद में बौद्ध कल्चर जाने के कारण उनके अंदर आज भी साउथ एशियन लोग इंक्लूडिंग जो आम चाइनीज है उनके अंदर भारत के प्रति एक नेचुरल रेस्पेक्ट था लैंड ऑफ एनलाइटेंड पीपल, ऋषि मुनियों का देश है ज्ञान का देश है और वो भारत को जिस नाम से बोलते थे उस नाम में भी वही झलकता था फागुल या गयािर के नाम से इसी तरह द एपिक किंग गेसर जो एक महाकाव्य है विच ओरिजिनली डेवलप्ड टू हंड्रेड बी सी से थ्री हंड्रेड बी सी या सिक्स हंड्रेड सी तक फैला उसमें भी भारत को ग्यागर के नाम से जाना जाता था उसका मतलब होता है ग्यागर का द किंगडम ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन, या द किंगडम ऑफ आरू मेडिसिन आयुर्वेद आयुर्वेद को वो आरू कहते थे और आपको पता होगा जो चाइनीज मार्शल आर्ट्स हैं वो ताइकांडो हो या आपकी कराटे हो जितने तरह के वो कौनफू हो वो चाइनीज़ लोग आज भी आ, अपने क्लासेस में ये पढ़ाते हैं ये जो मार्शल आर्ट है ये हमारे यहाँ भारत से आया है पर किसी भारतीयों को ये पता नहीं होगा पता होगा तो हु केयर्स पर इवन यूएसए में भी जो आपको मार्शल आर्ट्स की स्कूल्स हैं जो चाइनीज मार्शल आर्ट्स सीखते हैं वहाँ भी अगर आपके बच्चा जाता होगा सीखने तो वो जो थ्योरी पढ़ाते हैं उसमें वो बताते हैं यहाँ भी इवन गोरे भी पढ़ाते हैं तो भी वो चाइनीज़ लोगों ने उनको सिखाया है या कोरियन जापान लोगों ने कि ये आया चाइना से जापान से जहाँ से और चाइना जापान वगैरह कोरिया से कोरिया में कहाँ से आया भारत से आया तो आज भी वो क्रेडिट भारत को वो देते हैं कि ये जो मार्शल आर्ट से वो भारत से ख़ास करके केरला वगैरह से वहाँ ट्रांसफर हुआ इसी तरह जो वहाँ हर्बल मेडिसिन आपको पता है कि नहीं दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा हर्बल मार्केट है हर्बल मेडिसिन की मार्केट है वो चाइनीज हर्बल्स की यूएसए में भी बहुत बड़ा मार्केट है चाइनीज हर्बल मार्केट के, आयुर्वेद की नहीं है पर वो चाइनीज की जो चाइनीज हर्बल मेडिसिन है वो उन्होंने वो खुद मानते हैं कि वी बोरो इट फ्रॉम इंडिया।, इंडिया इंडियन गुरु जा करके हमें सिखाया इसीलिए चाइनीज में जो इंडिया का नाम है ग्यागर जिसका मतलब होता है किंगडम ऑफ मेडिसिन और कहीं कहीं ग्यागर का यह मीनिंग भी मिलता है द किंगडम ऑफ पर्ल्स किंगडम ऑफ नॉलेज और गोल्ड फिर आपके लिए और एक नाम मिलता है जिसको कहते हैं तियांझू इंडू शेंडू तेंजीकू जुआंडू मेरे ख्याल से मैं उसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं पर इनमें ये जो नाम है, चाइनीज नाम है है चाइनीज़ भारत के लिए अगेन वो सिंधु नदी से रिलेटेड है जैसे यूरोपियन लोग सिंधु नदी के कारण आपको इंडिया बोलने लगे अरब और पर्शियन आपको हिंद हिंदू बोलने लगे तो चाइनीज उसी सिंधु नदी के उस पर होने कारण सिंधु को वो इंडू बोलते थे या शेंडू बोलते थे और वहीं से फिर इस देश का नाम भी तियांझू या सेंडो तियांझू चाइनीज में संस्कृत सिंधु शब्द से गया या भाया पर्शियन हिंदू हिंदू से तियांझू बन के गया और कहीं कहीं शेंडू अगेन आप सिमिलरिटी समझ पाएंगे सिंधु हिंदू हिंदू सेंडू ना टियांझू ना ये ये सिमिलर चीजें हैं इट बिकेम इंडो इन चाइनीज बहुत सारे यूट्यूबर्स आजकल आपको पता है ट्रैवल करते हैं दुनिया भर में और बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर्स भी घूमते हैं वो जो चाइनीज़ छोटे छोटे शहरों में जाते हैं तो वो आप अगर उनका यूट्यूब वगैरह देखेंगे तो कहते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया अच्छा इंडू वो इंडिया कम समझते हैं वो इंडू या सेंडू इस तरह के नाम से ज़्यादा आपको रिकोगनाइज करते हैं उनकी भाषा में तो सिनोजेनिक रीडिंग जापानीज में इसको तेंजिक्यू या चेन्चुक कोरियन लैंग्वेज में कहा जाता है और इसका मतलब ध्यान दीजिए हेवनली सेंटर का जगह जो हेवेन है स्वर्ग है स्वर्ग क्यों कि जो धर्म स्पिरिचुअलिटी नॉलेज यहीं से सब गया हुआ है दैट्स हाउ ये हेवेनली और कहीं कहीं अ, अलग अलग राजाओं के चाइनीज और कोरियन राजाओं के इंस्क्रिप्शन में एक नाम मिलता है जुआंडू तियांडू जो हुए आदि बहुत सारे चाइनीज ट्रेवलर्स भारत आए उनके ग्रंथों में भी इस तरह के नाम आपको मिलता है अब हम आते हैं थोड़ा अरबी और पारसी से ऊपर इजराइल की तरफ मिडिल ईस्ट जहां से आपकी बिब्लिकल रिलीजियंस बने जुडाइजम क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की जो मूल सोर्स है तो वो कौन सी लैंग्वेज में थी हिब्रू में है ना एंशियंट हिब्रू जिसमें बाइबल लिखे गए तो जो बिब्लिकल हिब्रू है उसमें भारत का नाम पड़ता है होडू अगेन, वो होडू भी उसी सिंधु नदी से उसी सिंधु नदी का ही साकोहा, अंधा कोडा होकर के होडू के नाम से जाना जाता है ओल्ड टेस्टामेंट और जीव स्तनक में बुक ऑफ ईस्टर में इसका नाम इंडिया को होडू के रूप में जाना जाता है जो कि सिंधु नदी से ही आया है और सिंधु सिंधु से तो डायरेक्ट नहीं जाता है सिंधु से पर्शियन पर्शियन में हिंदू और हिंदू से होडू के रूप में जाता है वियतनामीज में वहां आज भी भारत को एंडू एंडो अगेन वही इंडो इन हिंदू इंडो ये सब सिंधु नदी के कारण ही होता है तो कंक्लूजन है आपके देश के बहुत सारे नाम है जो देशी नाम हमने अपने लिए दिया वो था आर्यावर्त या भारत जो विदेशियों ने आपको नाम दिया वो था हिंद हिंदू होडू तियांजु त्यांजु तिंजिको इंडो इंडिया इंडोई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।